हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर एके सिंह और आज हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और हम जो तैयारी कर रहे हैं वो किसकी तैयारी कर रहे हैं? EMRS यानी कि आपके एकलव्य स्कूल में हम कर रहे हैं लाइब्रेरी की तैयारी। और लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं हम जो हैं लाइब्रेरी के सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ना कि जनरल पेपर की तैयारी। तो आप जो लाइब्रेरी की तब जो हम तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको पहली क्लास आपको कल मिल चुकी है, यानी कि सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, जो आपका पहला चैप्टर था उसकी, यानी कि पार्ट वन यूनिट वन का पहला चैप्टर आपको मिल चुका है। आज हमें पढ़ना है जो आपका टॉपिक है, वो है हमारा डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी इज, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, जिसमें हमें पढ़नी है एकेडमिक लाइब्रेरी। वैसे मैं आपको ज़्यादातर सारी बता दूंगा, क्योंकि एक बार को क्वेश्चन आता है एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, और पब्लिक लाइब्रेरी एंड स्पेशल लाइब्रेरी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और गांट मार के लिख लीजिए, यानी कि गांट मार लीजिए, ये क्वेश्चन हर हालत में मिलेगा आपको। मतलब आपके 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, जितने भी आपके पेपर में आ रहे हैं, वो उसमें से आपका हर हालत में ये आपको क्वेश्चन मिलता है एकेडमिक, पब्लिक और स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में। या तो पूछ लेगा क्या होती है, कितनी लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में लाइब्रेरी कितने तरह की होती हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मैं बोल के बता दूंगा। और आपको फिर मैं सलाह दूंगा, बच्चों चाहे हम हिंदी में पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश में पढ़ रहे हो, पर आपको तैयारी और जो पेपर है मैं इंग्लिश में ही ज़्यादातर इंग्लिश और हिंदी में मिक्स करके पढ़ाऊँगा। क्योंकि भैया सीधे सीधे बात यह है, लाइब्रेरी को जिसने इंग्लिश में पढ़ा है वही पास हुआ है। यानी कि हिंदी में लाइब्रेरी के बहुत सारे टर्म्स आपको मैंने पहले भी कहा था, जब DSSSB की तैयारी कर रहे थे, KVS की भी तैयारी कर रहे थे, इंग्लिश में तैयारी करो तो ज़्यादा है। ये नहीं भाई, देखो मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं भी क्या नाम ये बहुत सारे टर्म इंग्लिश में नहीं समझ पाता, मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ, ठीक है। पर ये मैं पूरी तरह से आपको ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से इंग्लिश पर निर्भर, क्योंकि ये देखो लाइब्रेरी में बहुत सारे टर्म्स जो होती हैं अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसा दिमाग रहता है कि हमारा क्लासिफिकेशन हमें पता है, वर्गीकरण पूछने लगे या फिर इस तरह की चीज़ें पूछने लगे, तो वहाँ पर जाके दिमाग हो जाता है, घूम जाता है एक तरह से, ठीक है। चाहे वो अब ये जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी प्योरली हिंदी पढ़ाती है तब भी उन्हें बच्चों को समझ में नहीं आता। और यहाँ पर जो है इंग्लिश और हिंदी में इसलिए मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ मैं कि जैसे आपको दिखाई जाए टाइप ऑफ लाइब्रेरी है तो आपको समझ में आएगी। अब इसका क्या आएगा, पुस्तकालय के वर्गीकरण, या सॉरी वर्गीकरण बोले पुस्तकालय के प्रकार आएगा, पुस्तकालय एकेडमिक लाइब्रेरी का, शैक्षणिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय आ जाएगा एकेडमिक में, और इसमें आ जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी को हिंदी में क्या कहेंगे बताओ, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरी को क्या कहेंगे, तो ऐसे ही विशिष्ट पुस्तकालय। और हिंदी में जो पब्लिक है, एकेडमिक है, स्पेशल है, ये हमारे जो जनरल वर्ड है वो है सारे, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश में बताया जा रहा है, थोड़ा बहुत के ज़्यादा इंग्लिश में बताया जा रहा है, क्योंकि आप जिससे आसानी से समझ जाए। और ये सारे हमारे जनरल वर्ड हैं। अब आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि टाइम हमारा है कीमती। सबसे पहले आता है डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, LIB मतलब लाइब्रेरी। अब डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी में आपको क्या क्या बताया जाता है, यानी कि तीन लाइब्रेरी तो आपकी लिखी हुई है, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और कौन सी, स्पेशल लाइब्रेरी। अब डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज में जब आप चलोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में आपको क्या क्या बताई गई है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी आपको जब पहले पढ़ाया गया है तो आपको क्या क्या बताया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में, कोई बता सकता है? चलिए, नहीं पता होगा बच्चों को, याद भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आती है हमारी एकेडमिक लाइब्रेरी, यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी, ठीक है। फिर आती है हमारी स्पेशल लाइब्रेरी, स्पेशल, ये आपको ये नहीं कि सीरियल वाइज क्या नाम लेके चलो कि सीरियल वाइज हैं, ऐसा कुछ नहीं है,
फिर आती है रिसर्च लाइब्रेरी। रिसर्च और स्पेशल लाइब्रेरी जाते एक ही मानी जाती है, पर ये अलग ही स्पेशल लाइब्रेरी। फिर आती है आपकी नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी। फिर आती है आपकी पब्लिक लाइब्रेरी, PUBLIC पब्लिक लाइब्रेरी। फिर बताओ और कौन कौन सी लाइब्रेरी के जाने जाते हैं। एक होती है रेफरेंस लाइब्रेरी, रेफरेंस लाइब्रेरी के क्या उसे डेस्क कहा जाता है, रेफरेंस डेस्क के नाम से जानी जाती है, लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। तो ये सारी लाइब्रेरी हैं जो आपकी आती हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर और देखे चले तो चाइल्ड लाइब्रेरी हो गई, यानी कि चाइल्ड लाइब्रेरी हो गई। इस तरह की जो लाइब्रेरी आपको पता होना चाहिए। सबसे जो मेनली पूछी जाती है ये होती है एकेडमिक, ये सारी आपकी पूछी जाती है। रेफरेंस भी चलो, रेफरेंस बच्चों कन्फ्यूजन कर देगा, ये हटा दो। चलो पांच लाइब्रेरी आपको पता होनी चाहिए कि पांच लाइब्रेरी कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अब पांच लाइब्रेरी में आता है हमारा क्या, सबसे पहले आती है एकेडमिक लाइब्रेरी। भैया एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होती है, आप चलिए आगे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। एकेडमिक लाइब्रेरी आते हैं हम MIC एकेडमिक लाइब्रेरी। भाई एकेडमिक लाइब्रेरी है क्या, कोई पूछने लगे आपसे कि आप EMRS की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, DA SSSB लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो, KVS लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो, इसरो लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए आप कौन सी लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो। आप इसरो वाला जो है ISRO इसरो वाला जो है वो लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा है, इसरो लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा है, तो वो कौन सी लाइब्रेरी में जाएगा। KVS लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो आप, तो आप कौन सी लाइब्रेरी में जाओगे। EMRS वाले की तैयारी कर रहे हो, आप कौन सी लाइब्रेरी में जाओगे। NVS की तैयारी कर रहे हो, तो आप कौन सी लाइब्रेरी में जाओगे। राजस्थान की लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो, तो कौन सी में जाओगे। DU लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो, तो आप कौन सी लाइब्रेरी में जाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। तो आपको ऐसे ही सबसे पहला क्वेश्चन आता है एकेडमिक लाइब्रेरी है क्या। एकेडमिक लाइब्रेरी वो होती हैं जो हमारे शिक्षण संस्थान से जुड़ी हो, जैसे कि हम कहाँ से पढ़े, सबसे पहले कहाँ पढ़ते हैं हम, स्कूल में, फिर उसके बाद कहाँ पढ़ते हैं, कॉलेजों में, फिर हम कॉलेज के बाद कहाँ पढ़ते हैं, यानी कि कॉलेज किससे अटैच होता है, यूनिवर्सिटी से। तो यानी कि आपके कॉलेज में, सॉरी सबसे पहले लेके चलते हैं हम स्कूल में, यानी कि हमारा जो पहला आएगा सबसे पहले कहाँ आएगा हमारा, स्कूल में। एक मिनट, सबसे पहला नंबर आएगा स्कूल में, ठीक है। दूसरा नंबर क्या आता है, UNIVERSITY यूनिवर्सिटी, सॉरी ये आएगा तीन नंबर, दो नंबर आ जाएगा आपका कॉलेज, ठीक है। तो दो नंबर, ये तीन चीज़ें होती हैं कि नहीं होती है? अब एकेडमिक लाइब्रेरी का पर्पज़ क्या होता है, एकेडमिक लाइब्रेरी है क्या, एकेडमिक लाइब्रेरी किस लिए बनाई जाती है। अब एकेडमिक लाइब्रेरी का उद्देश्य ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि आप मान लीजिए सीधे सीधे हम लेके चले, आप स्कूल में गए, ठीक है, स्कूल की फीस है 1,00,000 रुपये, ठीक है, 100,000, 10,000, 1,00,000 इस तरह तो होता है भाई। ओके ठीक है, रुकिए 100, 100,000, 10,000, 50,000, हाँ ठीक है। तो ये हो गई। अब ये मान लो जो 1,00,000 रुपये दे रहा है फीस, वो उसे किताबों के लिए फीस रखेगा, या फिर आपको मान लीजिए एकदम आपको रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ गई आपके स्कूल में, तो आप कहाँ से लोगे, या तो ख़रीद के लाओगे अपनी, या फिर क्या नाम क्या करोगे, लाइब्रेरी से जुटाओगे नोट्स बनाने के लिए। लाइब्रेरी क्या है आपकी, देखो एक कॉन्सेप्ट आता है जब हम लाइब्रेरी पढ़ाते हैं, या फिर आपने जितने भी लाइब्रेरी के टीचर होंगे जिन्होंने भी आपको पढ़ाया होगा या फिर आपको पहले समझाया होगा, तो आपने देखा होगा कि आजकल मुखर्जी नगर हो गया, लक्ष्मी नगर हो गया, जहाँ पर भी कोचिंग संस्थान है, जैसे कोटा है,
मुखर्जी नगर दिल्ली के हैं, लक्ष्मी नगर है, मुखर्जी नगर है, ये सब चीज़ें जहाँ पर कोचिंग होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कहते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हैं हम। तो वो क्या लाइब्रेरी है, कोई आपसे पूछने लगे कि बहुत सारे बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं और वो 24-24 घंटे वाली लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, यानी कि 24 आवर वाली लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, क्या वो लाइब्रेरी है, यस और नो? कोई आपसे पूछने लगे, बताओ, आप ही सोचो, वो लाइब्रेरी है नहीं, याद कर लेना, लाइब्रेरी नहीं है वो, वो है रीडिंग रूम आपका, रीडिंग रूम ROOM, रूम। याद कभी भी आपको जो पूछा जाए उस चीज़ का ध्यान रखो, रीडिंग रूम और लाइब्रेरी में बहुत अंतर होता है। लाइब्रेरी में आपको रीडिंग रूम भी मिलेगा, रीडिंग हॉल भी मिलेगा, बुक रूम भी मिलेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। पर रीडिंग रूम, जिसे रीडिंग रूम जो आजकल के आपके मॉडर्न लाइब्रेरी बनते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम कहाँ जा रहे हैं बच्चों पढ़ने, कि मैं तो लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तो लाइब्रेरी का मतलब ये है कि आप अपनी किताब लेके जा रहे हो, यानी कि आपकी जो आज के टाइम पे मॉडर्न लाइब्रेरी, आप ये बताओ, आप जो मॉडर्न लाइब्रेरी में, जैसे कोई जिस स्टेज में आप हो, उससे पहले आपने, हर बच्चे ने SSC की तैयारी करी होगी, UPSC की तैयारी करी होगी, या फिर ना भी करी हो तो आपने इस लाइब्रेरी से जुड़े होंगे, एक महीने जुड़े हो चाहे दो महीने जुड़े हो, कहीं ना कहीं, और ना भी जुड़े हो तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, आपका यार दोस्त जो भी वो होगा पढ़ा होगा कभी, तो आपने उससे ये पूछा होगा, भैया क्या होता है कि वहाँ पर 700 रुपये महीना, 600 रुपये महीना, और 6 घंटे के लिए, या फिर 6-6 घंटे के लिए होता है ज़्यादातर, 6 घंटे के लिए रहता है, इस तरह रहता है, या फिर बहुत सारे में रहता है कि 2 शिफ्ट रहती हैं एक डे की, जैसे मुखर्जी नगर में तो 3-3 शिफ्ट हैं 6-6 घंटे की, और जैसे दिल्ली NCR में, गाजियाबाद इधर में, मेरठ में 12-12 घंटे की है, जैसे सुबह सुबह यानी 12 घंटे की, या फिर ऐसा होता है कि रात के 10 बजे तक होता है, फिर उसके बाद बंद कर दिया जाता है, इस तरह भी होता है, बहुत सारी जगह देखा गया। तो उसमें क्या होता है, आप अपनी किताब लेके जाते हो, अपना रजिस्टर लेके जाते हो, वहाँ पे फ़ोन में क्या नाम लीड लगाई, इंटरनेट चलाया, अपने क्या नाम कोचिंग के नोट्स बनाने शुरू कर दिए, पढ़ना शुरू कर दिया, इस तरह ही तो होता है भैया। तो उसे कहते हैं रीडिंग रूम, ये ध्यान रखना। कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो आप जो आजकल के जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, जो लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी नहीं है, तभी तो भाई आप ये मान लो आपने बिलीव कर रखी, MLeV भी कर रखी है, बहुत सारे बच्चों ने कहना मैं मान के चलता हूँ PhD भी कर रखी होगी लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, पर ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना, कोई भी आप में और जो नॉन लाइब्रेरी स्टूडेंट है उसमें यही फ़र्क होना चाहिए कि आपको लाइब्रेरी के बारे में पता होना चाहिए और रीडिंग रूम में, दोनों में अंतर का पता होना चाहिए। लाइब्रेरी के अंदर रीडिंग रूम आता है, पर रीडिंग रूम के अंदर लाइब्रेरी नहीं आती, ये ध्यान कर लेना कभी भी। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, चलिए एकेडमिक लाइब्रेरी के ऊपर चलिए। रीडिंग रूम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, यानी कि रीडिंग रूम वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होती है, जो स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में होती है, और इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य एक ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक टाइम यानी कि स्पेसिफिक फील्ड का रूम एक तरह से प्रोवाइड कराया जाता है, स्पेसिफिक लाइब्रेरी प्रोवाइड कराई जाती है बच्चों को, जिससे उसके ओवरऑल सब्जेक्ट, ओवरऑल नॉलेज, ओवरऑल उस पर एस्पेक्ट, ओवरऑल उसका विजुअल, ओवरऑल एजुकेशन को इनक्रीज करा जा सके, ठीक है। एकेडमिक लाइब्रेरी का यही पर्पज़ होता है। एकेडमिक लाइब्रेरी में आपकी जितने भी, यानी कि आपकी लाइब्रेरी का खोलने का उद्देश्य यही है एकेडमिक लाइब्रेरी में, यानी कि स्कूल में, आप बताओ स्कूल में लाइब्रेरी किस लिए खोली जाती है, कॉलेज में लाइब्रेरी क्यों होती है? आप मान के चलो एक बच्चा नॉर्मल मान के चलते हैं, BSc कर रहा है, ठीक है, BSc कर रहा है, और BSc में उसने क्या नाम कोई सभी सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके चलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उसके फॉरेन ऑथर की किताब पढ़नी है उसे, अब फॉरेन ऑथर की किताब उसे कहीं नहीं मिल रही, ठीक है, नई सड़क पे गया, नई सड़क पे भी उसे मिल रही है, तो उसे मिल रही है पुरानी मिल रही है, और वो भी 5-6 हज़ार रुपये की मिल रही है मान के चलो, ठीक है।
अब वो 5,000 रुपये जो उसकी क्या नाम फीस है, उसकी 2-3 हज़ार रुपये फीस कंप्लीट हो रही है, 5,000 की किताब खरीद पाएगा बच्चा? नहीं खरीद पाएगा। तो वो जो किताब है वो आपको लाइब्रेरी मिलेगी, लाइब्रेरी में आपने इशू कराया, उसे पढ़ा, नोट्स बनाए और फिर आपने लाइब्रेरी में जमा कर दिया। तो क्या हुआ, लाइब्रेरी में आपने पढ़ा उस चीज़ को, सुविधा प्रदान हुई। तो ये होता है एकेडमिक लाइब्रेरी में। एकेडमिक लाइब्रेरी का पर्पज़ ही यही है कि हर सब्जेक्ट की बुक आपको मिल जाए एकेडमिक। और यहाँ पर आते आते यानी कि पब्लिक, इसमें दो चीज़ों में स्कूल लाइब्रेरी और कॉलेज लाइब्रेरी में आपको दो चीज़ का ध्यान रखना। इन दोनों में आपको क्या मिलता है, लाइब्रेरी, ओनली लाइब्रेरी मिलती है। और लाइब्रेरी भी यानी कि ओवरऑल सब्जेक्ट जितने भी आपके स्कूल, यानी कि इसमें क्या है, 1 से 12 तक के सब्जेक्ट हैं, सारे 12 तक सब्जेक्टों की किताब मिलेगी। ये क्या है, इसमें जितने भी आपके कॉलेज में, जैसे मान लीजिए कोई आर्ट्स कॉमर्स का कॉलेज है तो आर्ट्स कॉमर्स की सारी आपके किताबें मिलेंगी, यानी कि आर्ट्स के जितने भी किताबें हैं, साइंस के जितने भी किताबें, सॉरी आर्ट्स कॉमर्स का है तो आर्ट्स कॉमर्स की सारी किताबें मिल जाएंगी, A to Z सारी किताबें मिल जाएंगी। अब आता है यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी लेवल में होता है, आपको पता है यूनिवर्सिटी में जो बच्चा यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा, कैंपस से पढ़ा होगा, तो कैंपस में होते हैं डिपार्टमेंट भाई, यानी कि डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो गया, फिजिक्स का डिपार्टमेंट हो गया, मान लें इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हो गया। तो अब इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में एक यानी कि अब आपने एजुकेशन के डिपार्टमेंट में चले गए, या मान लीजिए साइंस के डिपार्टमेंट में चले गए, या फिर आप मान लीजिए इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में चलेगी, इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में चलेगी, यहाँ पर लाइब्रेरी हुई। लाइब्रेरी का मतलब ये है, इस लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जो इंजीनियरिंग की लाइब्रेरी होगी तो वहाँ पर इंजीनियरिंग की किताब मिलेगी, साइंस का होगा साइंस की किताब मिलेगी, एजुकेशन का होगा एजुकेशन की किताब मिलेगी। तो ये क्या होगा, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो होती है लाइब्रेरी, जो एजुकेशन संस्थान में एकेडमिक लाइब्रेरी में, ये चीज़ का ध्यान रखना। थ्योरिकल पर्पज़ में आपको मैं बता रहा हूँ कि एकेडमिक लाइब्रेरी जब होती है तो एकेडमिक लाइब्रेरी में एकेडमिक के ऊपर उसके अनुसार लाइब्रेरी खोली जाती है, यानी कि अगर आपका स्कूल है 12वीं तक का स्कूल है तो 1 से 12 तक के सारी किताबें मिलेंगी, रेफरेंस बुक मिलेगी, उससे जुड़ी हुई सब चीज़ें मिलेंगी। अब वहीं अब एकेडमिक लाइब्रेरी स्कूल की, अगर कॉलेज के तो चीज़ें मिलेंगी नहीं, तो यानी कि वो एक चीज़ का मतलब ये होगा एक तरह से स्पेसिफिक टाइप की लाइब्रेरी होगी। अब आगे हम कॉलेज में, कॉलेज में आपको छोटे बच्चों की किताब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अगर कॉलेज आपका इस संस्थान को यानी कि इस संस्थान को छोटे बच्चों की किताब, जैसे कि एजुकेशन का है, ये एजुकेशन की लाइब्रेरी है, अगर ये बीएड कॉलेज है, बीएड कॉलेज में मान के चलिए कि छोटे बच्चों की किताब मिलेगी, यानी कि आपको एनसीईआरटी की बुक भी मिलेगी, जैसे हम बीएड पढ़े हुए हैं तो हमें जब हमारी लाइब्रेरी में हम जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जैसे मैं कैंपस से पढ़ा हूँ तो कैंपस में हमारे तो डिपार्टमेंट में होती थी लाइब्रेरी, तो डिपार्टमेंट में, यानी कि यहाँ पर यहाँ इन दोनों में क्या होगा, एक सेम पर्पज़ के लिए किताब मिलेगी। और यूनिवर्सिटी में भी क्या होता है, जब डिपार्टमेंट में हो तो डिपार्टमेंट में सेम पर्पज़ में आपको किताबें मिलती है। फिर अब यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी में दो तरह की लाइब्रेरी होती हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी में क्या होता है, दो तरह की लाइब्रेरी होती है, एक होती है आपकी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, एक होती है सेंट्रल लाइब्रेरी, यानी कि CENTER सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। अब सेंट्रल लाइब्रेरी की कहानी क्या होती है, कोई बता सकता है सेंट्रल लाइब्रेरी की कहानी होती है? भैया सेंट्रल लाइब्रेरी की कहानी ये होती है कि अगर मान लीजिए मान के चलते हैं, चलिए पेज नेक्स्ट ही लेके चलते हैं, मान लीजिए एजुकेशन का, एजुकेशन की लाइब्रेरी है, एजुकेशन में एक बुक मान के चलते हैं चाइल्डहुड एज ग्रोइंग अप, ये है, ये बुक है, ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, मान लीजिए साइकोलॉजी की, चाइल्ड साइकोलॉजी की बुक है। अब चाइल्ड साइकोलॉजी की बुक है ये मिली डिपार्टमेंट में मुझे, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि जी मुझे डिपार्टमेंट में नहीं बैठना, अपने डिपार्टमेंट से जाके सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ना है, तो यही एक कॉपी सेंट्रल लाइब्रेरी में भी रखी होगी, ठीक है, इसकी एक कॉपी सेंट्रल लाइब्रेरी में भी रखी होगी। अब आते हैं साइंस की, साइंस की बुक एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान के चलते हैं CH केमिस्ट्री, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बुक आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी होगी। अब आते हैं कि इसके इंजीनियरिंग की बात करते हैं,
इंजीनियरिंग की एक कंप्यूटर साइंस की बुक यानी कि सीएस की बुक आपकी रखी आपके डिपार्टमेंट में, एक रखी होगी आपके सेंट्रल लाइब्रेरी में। तो सेंट्रल लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट ये होता है कि सेंटर का मतलब ये है, आप ये मान के चलिए, सीधे सीधे मान के चलिए स्टेट है, स्टेट के जो सुविधाएं हैं वो यानी कि पैसा कहाँ से आता है, सेंटर से आता है, और कुछ हिस्सा जो है स्टेट अपने आप कवर करता है, होता है कि नहीं होता। जैसे आप कहते हो कि दिल्ली में शराब सस्ती है, यूपी में महंगी है, ये सब चीज़ें, इस तरह की चीज़ें कभी कभी होती हैं कि नहीं होती, कभी कभी क्या सारी चीज़ें होती है। बस ये है कि नशे की चीज़ों से तो बच के रहिए, अपनी ज़िंदगी संवारनी है तो इन सब चीज़ों से बच के रहो। तो यानी कि सेंटर का मतलब क्या, सेंटर के पास कुछ पावर है, और यहाँ क्या है यानी कि सॉरी स्टेट के पास कुछ पावर है, कुछ उसके पास धन है। अब सेंटर के पास क्या है, सब कुछ है, धन भी है और वो सब चीज़ें सेंटर को स्टेट को देता भी है। ऐसी आपकी एकेडमिक लाइब्रेरी और ये होती है, यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी में तीनों कॉन्सेप्ट समझ गया। एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होती है, एकेडमिक लाइब्रेरी में क्या होता है, यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी में कौन कौन आता है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आपको एकेडमिक लाइब्रेरी पता चल गया। अब आते हैं आपकी स्पेशल लाइब्रेरी में, अब लेके चलते हैं हम आपका स्पेशल लाइब्रेरी, यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी आपको पता चल गया। स्कूल में आपको टेक्स्ट बुक आ जाएंगी, रेफरेंस बुक आ जाएंगी, ये सब चीज़ें आपको मैं बता दूँ। कॉलेज आपको पता ही है कॉलेज में क्या होता है, और यूनिवर्सिटी लेवल में, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्पेशल लाइब्रेरी, यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी। अब स्पेशल लाइब्रेरी क्या होती है, स्पेशल लाइब्रेरी का मतलब ये होता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सेंटर की जो लाइब्रेरी होती है, यानी कि आपका मान के चलते हैं हम आपका स्पेसिफिक सेंटर का मान के चलेंगे हम, इसमें आ जाती है आपकी, कोई बच्चा मेडिकल से पढ़ा होगा, यानी कि मेडिकल होगा तो होगा नहीं बच्चा, कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, ये हो गया स्पेशल। फिर एक आ जाता है मान के चलते हैं हम लॉ का बच्चा है, लॉ, और किसका बच्चा मान के चलते हैं गवर्नमेंट एजेंसी, सबसे अच्छा एग्जांपल है गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। अब इन तीनों को लेके चलते हैं, यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी वो होती है यानी कि स्पेसिफिक यूज ऑफ, यानी कि स्पेसिफिक नीड ऑफ, या स्पेसिफिक पर्पस ऑफ, या स्पेसिफिक प्रोफेशन ऑफ, यानी कि आपने मान के चलिए आप कोई से हॉस्पिटल में गए, मान के चलिए कोई सा भी हॉस्पिटल मान के चलते हैं हम एम्स में गए आप, ठीक है, एम्स में गए, ठीक है, ये स्पेलिंग है भाई, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। तो हम एम्स में गए, एम्स में आपका इलाज भी होता है, यानी कि बहुत सारे का इलाज भी होता है व्यक्तियों का। अब उनके डॉक्टर, यानी कि आपको पता है कि हर साल सिलेक्शन भी होता है उसमें, उन्हें पढ़ने के लिए चाहिए डॉक्टर वकील, ध्यान रखना डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, और टीचर जिंदगी भर पढ़ते हैं, याद कर लेना इस चीज़ का, डॉक्टर वकील और जो आपका टीचर है वो जिंदगी भर पढ़ता है, उसको पूरी ज़िंदगी पढ़ना है। तो जो डॉक्टर हो गया उसके पास लाइब्रेरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मान लीजिए आज कोई रिसर्च आ गई, रिसर्च हो गई कि क्या नाम, मान लीजिए कोई भी हो गया या एक्स वाई जेड कोई भी रिसर्च हो गई, तो वो रिसर्च ऐड हुई, वो लाइब्रेरी में आई, तो इनकी लाइब्रेरी में वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पर कोई कानून बन गया नया, तो कोई कानून बना तो क्या होगा, कानून बना तो क्या होगा, एक तरह से वो आएगा कि नहीं आएगा, वो आपको नया पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, स्पेसिफिक लाइब्रेरी होगी आपकी, गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी में जितने भी RTI है या फिर कोई अमेंडमेंट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि एक तरह से स्पेशल लाइब्रेरी वो होती है जो स्पेसिफिक प्रोफेशन, स्पेसिफिक नीड, स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन ऑफ सेंटर, और यानी कि आपके एक ही फील्ड में, यानी कि एक फील्ड की डॉक्यूमेंटेशन, पब्लिकेशन, जितने भी सारी चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई होती हैं, उसमें क्या होता है, वो होती है स्पेशल लाइब्रेरी। यानी कि अगर मैनेजमेंट का होगा तो मैनेजमेंट, लॉ का होगा तो लॉ, मेडिकल का होगा तो मेडिकल, स्पेसिफिक लाइब्रेरी में वही स्पेशल लाइब्रेरी में वो आपके सारे आ जाते हैं,
ठीक है। स्पेशल लाइब्रेरी का मतलब होता है किसी एक स्पेशल से, जैसे हम करते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कोई कहता है कि आपने स्पेशलाइजेशन किस में कर रखा है, तो आपका स्पेशलाइजेशन है जैसे कि बहुत सारे बच्चे बीलीव के बाद एमलीव में करते हैं, तो एमलीव में आपका स्पेशलाइजेशन है नहीं। फिर आता है एमलीव के बाद जैसे पीएचडी में आता है, तो पीएचडी में आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस टॉपिक में पीएचडी करी है, तो कि मैंने इस टॉपिक में पीएचडी करी, तो वो स्पेशल हो गया, यानी कि आपका एक ही टॉपिक से आपने स्पेशली उस चीज़ को प्राप्त किया, तो वो होता है स्पेशल लाइब्रेरी, यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइड टू स्पेशल लाइब्रेरी, यानी कि एक स्पेशल टाइप की इंफॉर्मेशन जो लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड कराती है, जो एक विषय के अनुसार चलती है, जो एक संस्थान आपके अनुसार उस आपके विषय के अनुसार स्पेशल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है, वो है स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आता है कौन सा टॉपिक था हमारा, पहले नंबर पे चल रहे थे स्पेशल हो गया रिसर्च लाइब्रेरी। अब आते हैं रिसर्च लाइब्रेरी, यानी कि रिसर्च लाइब्रेरी के बारे में बता देते हैं कि जिससे आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च लाइब्रेरी क्या है। RESERCH लाइब्रेरी। अब रिसर्च लाइब्रेरी क्या होता है, कोई कहने लगे रिसर्च लाइब्रेरी क्या होता है, भैया रिसर्च लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी आपको खोजकर्ता मिलेंगे, यानी कि जितने भी धरती पे खोज करने वाले हैं, जितने भी खोज करने वाले मतलब रिसर्च करने वाले, ठीक है, हिंदी में उसे खोजकर्ता ही तो कहेंगे, या फिर एक तरह से वो कोई नई चीज़ बनाने वाला कहेंगे। रिसर्च का जो भी पर्पज़ है, जितने भी रिसर्च, मान लीजिए आपने इसरो में चांद पे जल्दी जाने का रिसर्च कर ली, तो आपको उस रिसर्च का रिसर्च पेपर कहाँ मिलेगा, आपके नॉर्मल लाइब्रेरी में तो मिलेगा नहीं, तो वो मिलेगा रिसर्च लाइब्रेरी में। रिसर्च लाइब्रेरी का एक तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, रिसर्च लाइब्रेरी में ईजीली एक्सेसिबल नहीं है, या तो वो लाइब्रेरियन हो, यानी कि लाइब्रेरियन हो अच्छा खासा, नॉर्मल लाइब्रेरियन भी अच्छा खासा जिसे कहते हैं अच्छा खासा लाइब्रेरियन हो, या फिर आपका कोई साइंटिस्ट हो जिसे कहते हैं साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट हो, वही रिसर्च लाइब्रेरी में जा सकता है। रिसर्च लाइब्रेरी का मतलब ये होता है, ए रिसर्च लाइब्रेरी इज़ ए कलेक्शन ऑफ मटेरियल वन और मोर सब्जेक्ट ए रिसर्च पर्पस, यानी कि आपका जो भी रिसर्च लाइब्रेरी है, रिसर्च लाइब्रेरी में क्या होता है, जो रिसर्च के अनुसार रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, वही अपनी खोज के लिए उस लाइब्रेरी को एक्सेस करते हैं और उसको एक तरह से अपने कार्य में लाते हैं। यानी कि आपका कोई भी साइंटिस्ट है, मान लीजिए इसरो के साइंटिस्ट हैं, तो कहना वो रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च कर रहे हैं तो उन्हें कहना अपनी पुरानी की रिसर्च भी देखनी पड़ेगी। भाई मान लीजिए किसी ने ये मान लो चांद पे जाने के लिए अपोलो में कोई जो जो चीज़ें थी वो देख ली, या फिर मान लीजिए हमारे चंद्रयान वन का चीज़ें देखनी है हमें, ठीक है, तो चंद्रयान वन का कोई नया साइंटिस्ट आया कि क्या नाम कैसे कैसे हुआ था ये सब, तो वो रिसर्च कहाँ मिलेगी, रिसर्च लाइब्रेरी में। तो यानी कि रिसर्च लाइब्रेरी में दो ही चीज़ का महत्व होता है, एक तो स्कॉलर का, रिसर्च स्कॉलर का, और एक साइंटिस्ट का, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब कौन सी बात था हमारा पब्लिक लाइब्रेरी होगा, पब्लिक लाइब्रेरी है शायद से, एक मिनट पीछे करके पढ़ देख लो, नेशनल लाइब्रेरी एंड पब्लिक लाइब्रेरी, चलो कोई सही कैसी पढ़ा दो, पहले पब्लिक लाइब्रेरी पढ़ो क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है। अब आता है पब्लिक लाइब्रेरी, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, सबसे पहली बात आती है पब्लिक लाइब्रेरी ऑन यूज़ फॉर फ्रीली एक्सेस, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी उसे कहते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए फ्रीली एक्सेस हो, फ्रीली प्रोवाइड हो, फ्रीली आपको उसका एक्सेस कर सको। एक्सेसिबल चार्ज होता है, यानी कि बहुत सारे जगह आपने देखा होगा कि पब्लिक लाइब्रेरी फ्री होती है, कहीं भी चले जाए पब्लिक लाइब्रेरी फ्री है, ठीक है, आपको आईडी दिखाया जाए, आप आईडी दिखाओगे और एंट्री करोगे रजिस्टर में और आप जाकर लाइब्रेरी फ्री पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर और जो मैगजीन रखी रहती है। फिर आती है बात पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ लिया, ठीक है,
पब्लिक लाइब्रेरी में मैं पढ़ लिया। अब उसके बाद जो आती है बात, फिर आता है मंथली और ईयरली पास, यानी कि वो पब्लिक लाइब्रेरी जो आपके लिए फ्री थी वो लिमिटेशन मान रखी है उसमें कि यहाँ तक आप फ्री हो, यानी कि ये कमरा है, ये घर है और आप इस घर के यहाँ तक आ सकते हो, ये फ्रीली एक्सेस कर सकते हो इस एरिया तक, ठीक है। इस एरिया को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सरकार को या कुछ ना कुछ लाइब्रेरी को डोनेशन देनी पड़ेगी, या उसके एक तरह से क्या कहते हैं उसे, पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ होती है। पब्लिक लाइब्रेरी किस लिए होती है? पब्लिक लाइब्रेरी किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। कैसे? फ्रीली, यानी कि एक तरह से बुक उसे प्रदान करके, न्यूज़पेपर प्रदान करके, ऑडियो बुक प्रदान करके, न्यूज़पेपर प्रदान करते, मल्टी मीडिया मटेरियल प्रदान करके, रिसोर्स प्रदान करके, एक तरह से ये उसमें स्पेस ऑफ रीडिंग रूम होते हैं, स्टडी रूम होते हैं, या और आपके सीट्स होती हैं, यानी कि सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराती है। पब्लिक लाइब्रेरी खोलने का उद्देश्य क्या होता है? पब्लिक लाइब्रेरी खोलने का उद्देश्य व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करना, कम कीमत पे ज्ञान का प्रदान करना, और कहीं ना कहीं एक तरह से उसे किताबों से जोड़ना, इन्फॉर्मेशन से जोड़ने का काम करती है पब्लिक लाइब्रेरी। आजकल पब्लिक लाइब्रेरी में ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है। ई लाइब्रेरी और ई बुक का ध्यान कर लेना, ई लाइब्रेरी और ई बुक का कॉन्सेप्ट पब्लिक लाइब्रेरी में ही आया। ई बुक और ई लाइब्रेरी, यानी ई बुक तो आपको पता ही, जो आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में वो जो बुक्स होती हैं उन्हें ई बुक कहा जाता है, यानी कि डिजिटली फॉर्म में। ई लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि आपको आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा, आप घर से कभी भी किसी भी 24 घंटे इंटू यानी 24x7 कभी भी उसे आईडी पासवर्ड को डालो और अपनी बुक को आप पढ़ सकते हो, उसमें वो होती ई लाइब्रेरी, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब ये होता है, पब्लिक लाइब्रेरी और कम्युनिटी जो होती है, यानी कि एक तरह से कम्युनिटी हब है, किसका? नॉलेज का हब है। और वो कब क्या करता है? पब्लिक लाइब्रेरी आपको पब्लिकली प्रोवाइड कराती है सारी चीज़ें, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी में क्या होता है? पब्लिक लाइब्रेरी प्रोवाइड टू वेलकम किसका वेलकम करती है? पब्लिक लाइब्रेरी आपके रीडिंग रूम आपको देती है, स्टडी रूम प्रोवाइड कराती है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पब्लिक लाइब्रेरी हमारी पब्लिक लाइब्रेरी अब इसमें होते हैं एक्ट, यानी कानून वानून बने होते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कितने हैं भारत में? आपसे कोई पूछे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कितने हैं, तो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हमारे 19 है, ध्यान रख लेना, ये आपको बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे जब आपका होगा। अब आती है नेशनल लाइब्रेरी, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी की आती है कहानी। पब्लिक लाइब्रेरी समझ में आ गया, नेशनल लाइब्रेरी यानी कि नेशनल लाइब्रेरी क्या होती है? नेशनल लाइब्रेरी किसी भी देश को प्रेजेंट करने का काम करती है, यानी कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक तरह से होती है। तो नेशनल लाइब्रेरी का काम ये है कि आपको जो आपका जो देश है, जैसे कि भारत देश है, तो भारत देश को प्रेजेंट करने का काम करती है। यानी कि मैं मान लो मैं इंडियन हूँ, INDE लिख रहा हूँ, इंडियन हूँ, और मैं चला जाऊँ USA, चला जाऊँ USA के, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं USA की पब्लिक लाइब्रेरी में नहीं जाऊँगा, USA की नेशनल लाइब्रेरी में जाऊँगा। नेशनल लाइब्रेरी से मुझे कहाँ उसका मैप भी मिल जाएगा, उसकी इतिहास ही मिल जाएगा, उसकी मैनुस्क्रिप्ट मिल जाएंगी, उसके आपके उसके बुक मिल जाएगी, आर्चरी मिल जाएगी, हिस्ट्री मिल जाएगी, उसकी पॉलिटिकल मिल जाएगी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, उसका सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि नेशनल लाइब्रेरी का पर्पज़ ये होता है किसी भी देश के कल्चर को, उसकी आर्चरी को, उसके डॉक्यूमेंटेशन को, उसके इतिहास को, उसके पॉलिटिकल को, उसके क्या नाम जो भी उसका चीज़ें हैं, वो सारी रिसर्च है, सब चीज़ें वो सारी जो प्रेजेंट करता है, यानी कि एक प्रतिबिंब, किसी भी देश का एक प्रतिबिंब दिखाने का काम उसकी किताबें जो कर रही हैं, जो प्रतिबिंब दिखाने का काम किताबें कर रही हैं, वो किताबें उस लाइब्रेरी में मिलेंगी। यानी कि आपके नेशन की पहचान आपकी नेशनल लाइब्रेरी दिखाती है। यानी कि आप अगर USA में जा रहे हैं, अगर USA को आपकी इन्फॉर्मेशन आपको सारी चाहिए, तो आपको नेशनल लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा वहाँ की। आपका मान लीजिए UK की इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो आपको UK की इन्फॉर्मेशन के लिए UK का इतिहास जानना है, जैसे
यूके का क्या नाम भूगोल जानना है, यूके के उसके गैजेट जानना है, तो सब चीज़ें होती हैं जो चीज़ें मिलती हैं वो मिलती हैं नेशनल लाइब्रेरी में। ध्यान रखना नेशनल लाइब्रेरी की आपके लिए सूटेबल संस्थान है, सूटेबल इन्फॉर्मे। अब ये कहने लगे कि बहुत सारे बुद्धिजीवी ये कहने लगे मैं तो एक क्लिक करूँगा गूगल पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। भैया गूगल बनाया किसने? आदमी ने बनाया। और गूगल आपको पता है कि गूगल का करेक्शन रिपोर्ट क्या है? गूगल की करेक्शन रिपोर्ट 70% है। यानी कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो गूगल भी नहीं ढूंढ सकता, जो किताबों में लिखी हुई है। ठीक है, आप मान लीजिए एक चीज़ मैं बताता हूँ आज, मान लीजिए आपका DSSB का ही पेपर हुआ है अभी। ठीक है, DSSB के पेपर के आप क्वेश्चन को एज इट इज डाल दीजिए, बहुत सारे यानी कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से मान के चलिए 30 क्वेश्चन तो ऐसे कह देगा कि वो सोर्स भी ऐसे ऐसे उल्टे सीधे दिखा देगा। यानी कि सोर्स, अब ये भी हो सकता है कि सोर्स वो DSSB का पेपर किसी ने डाला हो तो वही पेपर के दिखा दे, नहीं तो ये दिखाएगा कि ये क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा, या फिर उल्टा सीधा खोल के दिखा देगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रख लेना, किताबों में जो नॉलेज मिलती है वो कहीं भी ऐसे नहीं मिलती कि आप फ्री में बटरी है उठा के नॉलेज ले लो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये आपको सारे यानी कि आज का टॉपिक जो था नेशनल लाइब्रेरी, आपकी एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, ये आपको पब्लिक लाइब्रेरी आपको पता होना चाहिए था, ये आपका टॉपिक हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया? कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, नोट्स बना लो अभी, क्या नाम आपका सूटेबल टाइम है, फिर आप ये कहोगे यानी कि जब जिस दिन पहली यूनिट ख़त्म हो जाएगी, इसकी पहली यूनिट यानी कि पहला पार्ट ख़त्म होते ही मैं आपको इसके साथ साथ क्वेश्चन भी कराना शुरू कर दूंगा। क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि आपको एक तरह से टाइम आपका कंज्यूम हो जाए, सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूँ, फिर वही है कि आपको राजस्थान पाकिस्तान के सब जगह के पेपर करा के पूरा पक्का करना है। जितने भी हमारे पास 8000 क्वेश्चन है, 8000 क्वेश्चन का मतलब ये है 8000 क्वेश्चन दो बार कराने हैं, और दो बार कराने का मतलब है 16000 क्वेश्चन, 16000 क्वेश्चन भैया, 16000 बहुत क्वेश्चन होते हैं। और कंप्यूटर को भी मैं करा दूंगा सारा आपका, जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी वैल्यू यानी कि आपके जो नॉर्मल चीज़ें वो सारी मैं करा दूंगा, इतनी टेंशन मत लो। एजुकेशन का कोई टेंशन नहीं है, एजुकेशन का तो मेरे बहुत सारी चीज़ें रटी हुई पड़ी हैं, तो आपको उसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। लाइब्रेरी में कोई दिक्कत नहीं है, लाइब्रेरी में भी जो सारा कराई रखा है। फिर क्या करना है, ये हमारा एक तरह से रिवीजन चल रहा है, DSSB वाले बच्चों का तो रिवीजन ही मान के चलो, DSSB और KVS वाले बच्चों का तो रिवीजन ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तो पढ़ा है ये सब चीज़ें, फिर एक तरह से दोबारा उनको DSSB वाले को थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी है। पर KVS में जिसने KVS का पेपर दिया वो DSSB का पेपर दे रहा है, और DSSB वाला हो फिर यहाँ पे अटैच हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अपना फॉर्म भर लेना और अपनी तैयारी करनी शुरू करो। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो लाइक।